आज हम रिपेयर करेंगे ये वीडियो पर भी कैसे टीवी, तो इसका हम फॉल्ट चेक करते हैं कौन सा है। इसका प्लग लगाएंगे सीरीज बोर्ड में और देखते हैं इसको चालू करके। ये इंडिकेटर इसका जल चुका है, कैमरे में दिख रहा होगा शायद, चाहे ना देखो। तो इसको हम ऑन करते हैं, दोस्तों ऑन हो गई है। ओपन है, पीछे लगी हुई है, रिसीवर में लगाते हैं। और इसका ए रिमोट चालू करते हैं, तो इस तरीके की ये लाइनें भी आ रही हैं और पर्दा सिकुड़ जाता है ऐसे। इसको खोलेंगे और रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है और आप देख पा रहे होंगे, इधर दिखाओ, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन पर हमारा डाउट जाता है क्योंकि ये इसका जो कवर होता है ये पिघल गया है और ये थोड़ा फूला फूला दिख रहा है, जिनको हम दोनों कैपेसिटर को बदलेंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे लगे हुए हैं, जिनको निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों हम जब तक इनको निकालते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों ये हमने कैपेसिटर निकाल लिया है और ये शायद इसकी ये एक लेग इसका टूटा हुआ है इसी में, तो इसी वजह से इसका पर्दा आधा आ रहा था। तो दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो 35 वोल्ट का है और 330 UF इसका वो है नंबर। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं, 1000 UF 35 वोल्ट का। तो ये हमने यहाँ से निकाला था, तो यहाँ ये लगा देंगे और अच्छी तरह से यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे इसकी। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दिया है, इसके बचे हुए लेग्स काट देंगे। अब हम दूसरा वाला भी बदलेंगे, तो इसका नंबर भी हम देख लेते हैं। इसका नंबर है 470 UF और ये 25 वोल्ट का है, तो 25 वोल्ट का ही यहाँ यूज करेंगे। तो दोस्तों ये नया कैपेसिटर है, इसका नंबर है 1000 UF और 25 वोल्ट, तो ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन इसका ध्यान रखें, मैं पिछली जो कैपेसिटर बदला था उसमें बताना भूल गया, ये जो सफ़ेद लाइन दिख रही है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये प्लेन वाला है जो ये पॉजिटिव है, तो इसका भी ध्यान रखें। ये देखिए इधर ये बिंदु लगा हुआ सफ़ेद, तो ये लाइन इसकी तरफ रखना है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और आप चाहें तो मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। और इसको अब हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दिया है और इसको बचे हुए लेग्स को भी काट देंगे। तो दोस्तों ये हमने काट दिया है और हम प्लेट को करेंगे सीधा और जो निकाले हुए जैक हैं ये लगा देंगे हम वापस। ये मेन सप्लाई का है जैक, तो ये हमने लगा दिया और हम इसको चालू करके देखेंगे, देखते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं।
इस तरफ इसको घुमा लेते हैं कैमरे की तरफ, और अब हम इसका प्लग लगाएंगे सीरीज बोर्ड में। ये हमने लगा दिया है, और टीवी को अंदर से हम ऑन ऑफ करेंगे क्योंकि प्लेट अभी निकली हुई है, तो ये बटन फ्री हैं, ये बटन यहाँ पे हैं, ये हमने चालू कर दी। तो दोस्तों ये पर्दा तो खुला गया है, लेकिन इसकी लाइन अभी भी आ रही है, और अभी सीरीज के बल्ब जल गया है। इधर दिखाओ, पीछे आओ, तो इसकी ESD से हम थोड़ा इसका फोकस कम करेंगे। तो ये दोस्तों एकदम क्लियर हो चुका है, और अब हम इसको डायरेक्ट हम लगाएंगे। ये डायरेक्ट में हमने लगा दिया है, और इसको अब हम चालू करेंगे। ये दोस्तों चालू हो चुका है, और इस पर अभी AV का मोड चालू नहीं है, तो वो हम कर दे रहे हैं अभी अंदर से ही। दोस्तों अब हम इसको चालू करेंगे। प्लग हमने लगा दिया है, ऑन कर दिया हमने बोर्ड से, इसको यहाँ से स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। ये दोस्तों चालू हो गई है, और अब हम इसका ये भी बटन दबा देंगे अच्छी तरह से। इसका पर्दा आ चुका है, और ये बहुत से किए जा आवाज भी आ रही है अच्छी। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे तरीके से काम कर रही है, और ये काफी पुरानी टीवी है, वीडियो कॉलिंग टीवी है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।